पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कवरेज के दौरान पत्रकारों को धमकाए जाने पर प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ ने एसपी के नाम सौंपा ज्ञापन। श्योपुर, कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन कर्फ्यू के दौरान सूत्रों से जब पत्रकारों को बाजार में दुकानें खोले जाने की सूचना मिली तो पत्रकार श्योपुर नगर के चूड़ी मार्केट जीवन टॉकीज की गली में लॉकडाउन के दौरान खोली गई रेडीमेड कपड़े की दुकानों का कवरेज करने लगे, जहां कवरेज करने के दौरान पत्रकारों से दुकानदार ने अभद्रता करते हुए जमीन पर गाड़ देने की धमकी दे डाली। जहां कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हुए जमीन में गाड़ देने की धमकी देने वाले युवक के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही को लेकर प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ ने एसपी के नाम पुलिस कोतवाली पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ द्वारा धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। आज प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ के माध्यम से जो आप लोगों ने एसपी को ज्ञापन दिया है वो किस संबंध में दिया है? लॉकडाउन कर्फ्यू के दौरान कल हमें सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी कि चूड़ी मार्केट में कुछ दुकानदारों द्वारा ग्राहक दुकान के अंदर लेकर ग्राहकी की जा रही है। तो सूचना के तहत हम वहां पर कवरेज करने गए थे तो कुछ दुकानदारों ने हमसे बदतमीजी करने की कोशिश की, हमें कवरेज करने से रोका। और एक दुकान फाइव स्टार दुकानदार है जिसके नौकर ने हमसे बड़ी बदतमीजी और जान से मारने की धमकी दी कि तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा अगर तुमने मेरा कवरेज करने की कोशिश की। तो घटना से संबंधित आज आप एसपी को ज्ञापन देने गए थे? कल जैसा कि हमें सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली कि चूड़ी मार्केट में दुकानें खोलकर और ग्राहक अंदर घुसा के बाहर से शटर लगा के कपड़े व्यापारियों के द्वारा दुकानदारी की जा रही है। तो जब हमने वहां पे मौके पे पहुंच के कवरेज किया और हमें वैसा ही सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली थी हमने वैसा ही पाया। तो वहां पे जब हमने कवरेज किया तो कवरेज के दौरान कुछ दुकानदारों के कर्मचारी या मालिक जो भी थे उन्होंने हमें डराया धमकाया और उन्होंने कहा यदि आप यहाँ कवरेज करेंगे तो हम आपको जिंदा गाड़ देंगे और इससे संबंधित हमें उन्होंने जान से मारने की भी धमकियाँ दी।